तोड़ के फेंक दूंगा मैं। अरे बोलिए बोलिए, काहे के लिए बीजेपी हार गई? हार गई तो वो तो लल्लू सिंह की वजह से हार गई, बस अभी यही कहना। यहाँ के लोग जो है माता सीता के हुए तो इनके क्या होंगे भाई? 500 आपको मिला, कुछ मिला हो या ना मिला हो हमारे लिए यही खुशी है। राम जी आए, राम जी आए। पहले बहुत सरकार थी, बहुत सरकार थी, बहुत सरकार थी 2017 से पहले। कहाँ की मंदिर, कहाँ की टेंट, कहाँ हुआ था ये बताओ। 500 आपको मिला, कुछ मिला हो या ना मिला हो हमारे लिए यही खुशी है। राम जी आए, राम जी आए। पहले बहुत सरकार थी, बहुत सरकार थी, बहुत सरकार थी 2017 से पहले। कहाँ की मंदिर, कहाँ की टेंट, कहाँ हुआ था ये बताओ। अच्छा अच्छा, बोल रहा है, माइक लगाई उसकी, जो माइक लगाई इसलिए बोल रहे हो। माइक, आप माइक बंद कर यार, आपसे यही बात, क्या बात कर रहे हो? अभी अभी सुनो सुनो, जनता क्या बोल रही है यहीं से? पहले मेरी बात सुनो, बकवास कर। अगर यहीं से अगर बीजेपी जीत गई होती तो शब्द बोल रहे हो कि तुम्हारे मुंह से निकलती ना, ठीक है ये ना मत बताओ। वो तो जनता को पता, क्या जनता को पता है? इतने गरीब यहाँ सताए जा रहे हैं और कौन सी वजह चाहिए? और किसी सरकार ने जमीन आज तक नहीं बोला, और किसी सरकार ने कुछ करके दिखाया? दिकंदर ये बताओ पहले यार, क्या चीज, कितने साल बाद मंदिर बना? आज आप आज बताओ, ये बताओ, ये क्या बता रहे हो? और सरकार हम आपकी बात माने, हम ये बात कर रहे हैं। राम मंदिर बनने के बावजूद अयोध्या से बीजेपी काहे हार गई? बीजेपी काहे हार गई? यहाँ पे सिर्फ समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था और रहेगा। काहे वजह यार? अरे वजह काहे नहीं है, बहुत वजह है, बतावा ना। इतने गरीब यहाँ सताए जा रहे हैं और कौन सी वजह चाहिए? काहे हार गई बीजेपी, बताइए क्या हो रहा है? अच्छा बता रहे, बताइए। जितने यहाँ पे आप यहाँ से पूछ लीजिएगा, इनका घर टूटा होगा, क्या चीज, आपका घर टूटा नहीं है, सबका घर टूटा है। उनके दिल से पूछिए, उनकी आत्मा से पूछिए, आज वो क्या सोच रहे होंगे इस सरकार में। अगर आपको या हमें कोई अपने घर से बेदखल कर दे, कह दे ये सरकारी जमीन है, आपको 1,00,000 रुपया दे दिया जाए, तो आपका जीवन कैसे व्यतीत होगा? उस व्यक्ति से पूछिए, उस गरीब जनता से पूछिए जो आज इस सरकार में मतलब अपनी पूरी तरह से जो है। और आइए आइए आइए, अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अरे भैया आप बताइए, तोड़ के फेंक दूंगा मैं। अरे बोलिए बोलिए, अयोध्या काहे के लिए बीजेपी हार गई? हार गई तो वो तो लल्लू सिंह की वजह से हार गई, बस अभी यही कहना। लल्लू सिंह की क्या वजह रही है? लल्लू बदल नहीं सकते थे? लल्लू तो बात खत्म करो यार, हम इस सबके सामने जो है पढ़ना नहीं चाहते राजनीति में। बोल दीजिए, बोलना नहीं है, इनमें जो है रखना नहीं चाहिए। रखने वाली बात नहीं, भैया जो बता रहे थे घर टूट गया, क्या नियम कानून है? अगर ये जो काली सड़क है, कितनी फीट दूरी पर घर बनना चाहिए बताओ पहले सड़क की? आप क्या बता रहे थे? अगर जो यहाँ पे मुआवजा है सबको मिला, जिसका कागज है, ठीक, जिसको अगर नहीं जिसकी अवैध जमीन पे कब्जा हुआ था, उसको भी जो है घर टूटा तो उसको भी मुआवजा मिला है, बताए कोई ना मिला मुआवजा? मिला कि नहीं मिला? मिला होगा सबको, मिला। पूरी लिस्ट पड़ी है यार, आप ये बताइए कितना कितना कैसे मिला? इतना हमें नॉलेज नहीं है, कितना कितना मिला है? थोड़ा इधर आइए, कितना मिला? जैसे अभी हमें नहीं मालूम कितना मिला है, क्योंकि हम राजनीति से कोई यहीं के हम रहने वाले हैं, परमानेंट 24 घंटा घूमते हैं इसी क्षेत्र, 24 घंटा हम भी घूमते हैं। सुनिए, कितना मिला? 1,00,000। कितना मिला में था? आप जो भी था, जिसका था, रोड का था, आपका घर गिरा था? आपका घर गिरा था? 1,00,000 सबको नहीं, आपका घर गिरा था? नहीं गिरा, गिरा था ना? नहीं था, अवैध जमीन थी? नहीं थी, ठीक नहीं। अरे भैया कहाँ जमीन अवैध है, बता रहे हैं यहाँ पे जो इनके पिताजी अपना बचपन यही बिताए, वो अवैध जमीन, और किसी सरकार ने अवैध जमीन आज तक नहीं बोला, और किसी सरकार ने कुछ करके दिखाया? दिकंदर ये बताओ पहले यार, क्या चीज, कितने साल बाद मंदिर बना? आज आप आज बताओ, ये बताओ, ये क्या बता रहे हो? मानते और सरकार हम आपकी बात माने, हम ये बात कर रहे हैं। जो देखो नियम जो है आपकी, हम मानते हैं नियम कुछ भी हो, हमारा भी घर टूटा है। ये सड़क नियम रूप से इसकी जगह इतनी है, कौन नियम क्यों नहीं है पहले? हाँ बताओ, नियम रूप से इसकी जगह इतनी है,
अब सरकार कहे कि हमें इस जमीन को बढ़ाना है, इस सड़क बढ़ाना है, इनका घर तोड़वा के इनका चार मिलेगा, एक लाख बोल तो ना, एक लाख अगर चार कमरा गया होगा उसका एक लाख दे दीजिए, एक लाख जो ये बोल रहे हो बोल रहा है, एक लाख माइक लगा उसकी जो माइक लगा इसलिए बोल रहे हो माइक, आप माइक बंद यार, आपसे ही बात क्या बात कर रहे हो, अभी चालू करवा, अभी सुनो सुनो जनता के यही से मेरी बात सुनो, बकवास कर, अगर यहीं से अगर बीजेपी जीत गई हो तो ये शब्द बोल रहे हो कि तुम्हारे मुंह से निकलती ना, ठीक है ये ना मत बताओ, वो तो जनता को पता क्या जनता को पता है, हमारे अकेले वोट देने से तो कुछ हुआ नहीं, वोट तो हमने भी नहीं दिया, हाँ। क्यों वोट नहीं था, वोट की बात राजनीति की मत करो, राजनीति की नहीं, राजनीति यहाँ नहीं हो रही वाली बात, क्या जनता जनता के बारे में क्या जानते हो, कितना पढ़े हो क्या जानते हो जनता, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, क्या जानते हो, मैं तो बस इतना जानते हो कि हम अयोध्या वासी हम यहाँ से वहाँ तक जो है चार चक्कर लगाते रहते हैं, बस यही जानते हो, चक्कर यहाँ हमारा घर है, मैं चार चक्कर लगाऊँ या दस चक्कर, हम ये जो कह रहे हम यही है, हम भी बात हुई ना, अगर आपका आपके घर का अगर चार कमरा हो, जो कमरा टूट जाए सरकार एक लाख रुपए दे दे, वो आपके दिल में जो चीज होगा वो आपको पता रहेगा, सुनो यहाँ पर आप सुनो, पहले सड़क पे ठेले लगाए कोई गाड़ी आके टक्कर मार दे उसके, वो कितने कितने ठेले वाले रोज डेली मारे जाते हैं वो हम अपने आंखों से देखते हैं, हमारी भी दुकान है वहाँ पे, इसलिए मारे जाते हैं क्या चीज, हाँ वो अगर मान लीजिए यहाँ दुकान लगाया है कोई पुलिस आके उसके साथ यहाँ पे लगाया तो अगर यहाँ दुकान लगाया है ये गारंटी न लगा हो, अगर टक्कर आके गाड़ी कोई मार देगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ये बताइए, हाँ बताइए, इसके लिए तुम पुलिस वाले को बुलाते हैं डेली उसको, अरे तुम बीच में यार बीच में लगाओ, उसके लिए एक जगह दे दीजिए, हाँ आपका ठेला यहाँ लगेगा, अभी मेला चलने वाला है, अभी मेला चलने वाला है, जो गली में रहेंगे उनको भी डंडे से लाठी से मार के, अरे यार सिर्फ तुम क्या मुँह से जो आ रहा है वही बात कर रहे हो, ठीक है जो रहेगा राम, रुक रुक एक मिनट एक मिनट, राम मंदिर और राम पद बने इससे फायदा हुआ नहीं हुआ, पहले बात फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ राम मंदिर बना, इनको क्या मिला, कुछ मिला क्या मिला बताओ, क्या पर्यटन मैंने दुकान क्या मिला, 500 आपको मिला, कुछ मिला हो या ना मिला हो हमारे लिए यही खुशी है कि बन राम जी आए, राम जी आए, पहले बहुत सरकार थी, बहुत सरकार थी, बहुत सरकार थी 2017 पहले, कहाँ की मंदिर कहाँ की टेंट कहाँ हुआ था ये बताओ दादा, आपका राम मंदिर वाले क्या लगता है, अब वो बन गई यही जाने, और कोई भी सरकार इतने बड़े कोई खुशी नहीं है अयोध्या भाई, राम मंदिर बन गया है, ठीक राम मंदिर बनने के बावजूद क्यों हार गए, राम मंदिर बनने वो हार गई ना कि योगी की वजह से हार गई ना, वो लल्लू सिंह की वजह से हारी है, ये तो पूरा सभी बता रहा है, वो लल्लू सिंह की वजह से हारी है, ठीक है उनकी वजह से, सुनो बात की बात कर, उनकी वजह से अगर कोई और नया सांसद होता तो अब तक सरकार यहाँ बन गई होती, बात भाई हार जीत की तो हार जीत होती रहती है, जनता की बात की बात है, तो बैठी है जीत गई है मोदी वो है, बात ये नहीं है अयोध्या से हारी किस लिए हारी, ठीक है सब लोग ने बोला घर टूट गया था, कोई बात नहीं, ठीक है घर टूट गया था, जिन लोगों को मुआवजा मिला एक लाख जो भी मिला, लेकिन मुआवजा सबको मिला, अभी यह जीत गई होती बीजेपी तो कोई कहने वाला होता, आप बोल रहे हो ना क्या कह रहे हो, वही तो हम कह रहे हैं, पहले जीते तो हार तो गए, इतना बड़ा काम किया आप तो बोल रहे हो, हम तो हार कैसे गए, तुम अगर कैसे हार गए इसका कोई रीजन बताइए हमें, ऐसा नहीं अगर अगर राम मंदिर पे आपको अगर यहाँ की जनता ने राम मंदिर पे वोट किया होता तो यहाँ से भाजपा जीतती हारती ना, जब इंसान के मन में राजनीति हो रही है, राम नाम पे राजनीति हो रही है तो राजनीति क्यों ना करे, राम के नाम पे चार लोग और बतू जाए, ये माइक से तुम जो है चारों तरफ हाईलाइट हो जाओ, क्यों नहीं होगा, अरे क्या रियल बोल रहे हैं, आपने बोला किसी को रियल बोला किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिले हो मैं आपको बैठाऊंगा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, अबे भाई कितना दिखाइए, राम मंदिर के बावजूद बीजेपी क्यों हार गई, 900 यहाँ के लोग जो है माता सीता के हुए तो इनके क्या होंगे भाई, उन्होंने जो है माता सीता के ऊपर लांछन लगाया जो है, तो ये बीजेपी वाले क्या होंगे, जो है यहाँ पे जो है कुछ नहीं था, जो है नहीं यहाँ पे कुछ नहीं था, हवाई अड्डा बना और चीज जो है उनके माध्यम से ये लोग 1000 रुपए एक दिन का कमाते जो है, और ये लोग उन्हीं के नहीं जो है क्या होंगे जो है,
मतलब अयोध्या वाले जी और क्या हैदराबाद लोकसभा से बीजेपी के हार का कारण सब कुछ जमीन दे अभी तुम्हें को नहीं जो लोग बोल रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला है बांटा होगा दारू पैसा किसी ने खाया किसी ने होते नहीं कहा यहाँ से जीतते क्यों नहीं यार बटवाई है अब बटवाई है उसमें क्या अगर दारू और पैसे से आप वोट लेना चाहते हैं यहाँ जीती नहीं जीती पहले आप कह रहे दारू और पैसे से हम वोट मांग रहे हैं भैया भाजपा अगर दारू वोट मांगे तो भेजिए अभी अभी अच्छे अच्छे सुधर गए अभी आपको ही कुछ रुपए मिल जाए तभी यही माइक पे अरे जाओ सुनिए इधर आइए तब बोले जब आपने ये सरकार से मुझे कोई देना देने नहीं हम भी कह रहे हैं उस चीज के लिए गलत है हाँ। लेकिन अयोध्या चीज गलत है गलत भी आप गिना दीजिए गलत दीजिए हम सही गलत नहीं हाँ। हम सिर्फ अयोध्या आपने कहा सरकार ने क्या किया सुनो सुनो आपने कहा यहाँ पे कैंडिडेट थे जो है वो गलत जो है सिर्फ यही है इससे जो लोगों पे काफी प्रभाव पड़ा जो है अगर घर का बुजुर्ग कुछ किसी चीज को बदलने के लिए नहीं करेगा तो घर का जो है कि छोटा जैसे आपके पिता ने कोई चीज अगर आप ऐसा जो है कुछ होगा नहीं संविधान बदलने संविधान बदलने के बाद कैसे उन्होंने कह दिया उनके उनके हाथ में कैसे है संविधान बदलने को लल्लू सिंह के हाथ में वही जब ऊपर से आर्डर आया तब तो नीचे वाला बोला कि संविधान बदल देंगे और आप बताने जो सीता जी का नहीं हुआ अयोध्या अयोध्या वासी यहाँ के जितने हैं सब राम के लिए ऊपर राम के लिए होते भाई ऐसा ही भाई अयोध्या में बीजेपी का काम कैसा लगा कैसा अयोध्या में देख रहे हैं सब लोग किसी और अयोध्या में आपको विकास दिखता है नहीं विकास दिखा विकास दिखा अगर डबल बात नहीं सिंगल विकास दिखा नहीं बहुत विकास हुआ अच्छा ये बताइए विकास भी नहीं दिख रहा है हमें पहले आपने कहा ये सरकार ने किया क्या यही तो बोला था कुछ किया हो ना किया हो आपने हमें बताया किसी आपने हमें किया आपने हमें बताया कि आप पढ़े कितना है इसीलिए इतना पढ़े ये इसीलिए मैंने आप कितना पढ़े सुनो जो तुम ये बता रहे हो दो तरफ की बात कर रहे हो विकास किया भी नहीं किया आप यहाँ से हारी विकास किया हो या ना किया हमारे लिए वही बहुत है जो बन रहा है अयोध्या के मुद्दे बन रहा है वही बहुत है अयोध्या का मुद्दा मैं ले रहा हूँ आप पढ़ाई की क्या बात कर रहे हो अरे राम मंदिर समस्या का हल कोई नहीं कर पाता भाई अयोध्या में सुनो यही सीट नहीं निकली अगर यही सीट निकल गई होती चारों तरफ से हार गई होती फिर भी सरकार बीजेपी की ही बनी है कितने लोग मिले थे संगठन में सब लोग थे जीत तो बीजेपी की हुई क्यों नहीं जीत पाए सब लोग थे ना यहाँ की जनता क्या था क्या नहीं था हाँ ये बात है कितना भी अच्छा कट हो अगर किसी की एक उंगली कट जाती है तो उसके अंदर थोड़ा घाव रहता है फलाल रहती है ठीक है बात यह है समझ में नहीं आता अगर अभी हमें कितना भी मानते होंगे अगर दो थप्पड़ मार दिए चार जनों के बीच कुछ ना कुछ मेरे अंदर हो जाएगा ठीक है वही मेन कारण बस वही है ये घर वर जो टूटा टूटा उसके बाद तुरंत चुनाव हो गया मेन कारण इसका है लल्लू सिंह सांसद मेन कारण वही है ठीक है ये मत बताओ और उसके पहले यहाँ से नहीं जीती नहीं दो बार भाजपा की नहीं है बात मानते हैं बात सरकार सपा जीती इस बार सपा क्या कर यार सांसद अगर छह महीने हम कहते हैं अगर बिना योग पहले सुनिए गठबंधन ने कुछ भी किया इतना अपना किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं हम मुद्दे बोला जब आपने कहा किसी को मुआवजा नहीं मिला ये मंदिर जो है बना ये फालतू का इसलिए बोला अगर सनातनी कुछ हो है तुम्हारे अंदर अगर भगवान के प्रति कुछ है तब तो ठीक है नहीं तो यार सही बात है क्या किसी को कुछ मिला आप है सनातनी जो बाहर से आ रहे हैं आप है सनातनी भाई हम तो मानते हैं भगवान को मानते हैं आप भगवान को मानते हैं हम भी तो प्रभुश्री राम को मानते हो तो क्यों यार कह रहे हो क्या हुआ काम तो अच्छा ये बताइए बताइए अगर हम आपसे हम इनसे कहते आप लोग तो सीता को बोल रहे हो मोदी जी राम नहीं हो जाएंगे ठीक नहीं ये जो बोल रहे हैं सीता जी के नहीं हुए अरे यही जो आज ये कह रहा है कि जब अयोध्या वाले राम को नहीं हुए वो खुद जो है अपने आप पे एक लक्षण लगा रहे हैं कि स्वयं अयोध्या वासी को ऐसा बोला जा रहा है बात मुद्दे की करो क्या होना चाहिए यार देखिए राम नहीं चाहते किसी से विवाद हो राम नहीं चाहते भेदभाव राम किसी से भेदभाव नहीं करते राम ये भी नहीं चाहते कि हमारे नाम पे कोई वोट मांगे
राम क्या मांग रहा है, क्यों नहीं मांग रहा है? मोदी जी तो कह रहे थे अब की हमने पार कर दी, कौन नहीं मांगता हूँ यार। कौन अगर तुम नौकरी करने जा रहे हो, अगर कहीं नौकरी करने जा रहे हो तो वहाँ पैसा नहीं मांगोगे? अरे भाई नौकरी प्रधान छोटा मोटा प्रधान अगर बन गए, मान लो आया चुनाव किसी के मतलब दरवाजे पर नहीं जाओगे वोट मांगने? क्यों नहीं जाएंगे? जब हमें उस लाइन मांगूंगा रोटिया यहाँ से तो वो भी मांग रहा है, बात खत्म है यार। राजनीति क्या कर रहे हो यार? राजनीति देखो अगर चुनाव लड़ना है, पहले आप सुनिए, चुनाव लड़ना है अगर यहाँ पे मुआवजा किसी को दिया गया है तो एयरपोर्ट में जितनी जमीन गई है उसको सही मुआवजा मिला। बताइए एक घर बनाने में कितना टाइम लगता है? घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। भाषण मत देना, एक घर बनाने में कितना होता है? बहुत टाइम लगता है। गिराने में कितना होता है? घर के ऊपर डिपेंड करेगा, छोटा बन रहा है। मेरे हिसाब से दो चार परिवार चले जाते हैं घर बनाने में। हट जाओ देखो क्या।